वर्कशीट 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 फाइल में हाँ किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट चैप्टर टू के वर्कशीट फाइल में किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, चाहे तो 4C वाले चाहे 4G वाले, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है ये? ये क्लियर है? यस सर। अब चलो गुड मॉर्निंग। फोर सी वाले तो रफ कॉपी में इसको सारे कुछ को रिवाइज करेंगे उसमें लिखेंगे, 4C वाले बच्चे रफ कॉपी में लिखेंगे, 4G वाले आप फेयर कॉपी निकालो बेटा, सारे लोग 4G वाले फेयर कॉपी निकालो उसमें लिखो। चलो वर्कशीट 5 तक कंप्लीट हो गया है, वर्कशीट 5 तक कंप्लीट कर लेना तुम लोग सारा। अब आते हैं वर्कशीट 6 में, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखो, प्रॉपर्टीज, और सारे लोग अपने आप को म्यूट करो, सारे लोग म्यूट करो, सारे लोग म्यूट रखेंगे, सारे लोग म्यूट रखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ये आवाज किसका आ रहा है? 1 2 3 4 म्यूट करो, आरोही म्यूट करो, शिवांगी म्यूट करो, म्यूट करो सर लोग, सक्षम सारे लोग म्यूट करो, म्यूट रखोगे। चलो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा बच्चों देखो, बड़ा सिंपल सा है ये, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो 1 से लेकर 9 तक। सपोज आपने लिया नंबर 6, 6 लिया और 6 में से सपोज करो कि आपने, किसका आवाज आ रहा है? आरोही म्यूट करो, ऋत्विक सौर्य म्यूट करो, चलो जिसको आप बोलना होगा मैंने म्यूट कर दिया है सब सारे लोग को। अब जिसको कोई पूछना होगा वो मैसेज टाइप करके पूछेगा। सपोज करो 6 है, सपोज करो आपके पास 6 ट्रॉफी है, ठीक है, और आपने उसमें से कोई भी ट्रॉफी नहीं खाया, आपने उसमें से कोई भी ट्रॉफी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, मतलब कुछ भी का नहीं मतलब नंबर 0, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। 6 ट्रॉफी था आपके पास, आपने एक भी ट्रॉफी नहीं खाया, तो आपके पास बचा कितना ट्रॉफी? सर 4C में चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है बेटा, तो उसको रिवाइज कर लो, इसको पुराना जो पढ़ा हुआ है इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो 6 ट्रॉफी है, उसमें से तुमने कुछ नहीं खाया, तो अभी भी तुम्हारे पास कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर में से अगर 0 को घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमेशा वही नंबर मिलता है। यस और नो? बिल्कुल सही, हमेशा वही नंबर मिलता है। इसका मतलब यही ना हुआ, किसी भी नंबर में से अगर 0 को घटाया जाए तो वही नंबर मिलता है, यही है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ये सबको? चलो वर्कशीट 6 चलो जल्दी से टाइप करके बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से टाइप करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 16, आरोही, सोनू, दक्ष कुमार, जल्दी से टाइप करके बताओ, जल्दी से टाइप करके बताओ, जल्दी जल्दी, आदित्य कुमार, ऋत्विक, 4C, गुड, अरब चौधरी,
और बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी टाइप करो। सृष्टि, फोर्सी, अर्पित, 4G, जयवर्धन सिंह, आरोही। चलो बच्चों क्लियर है ना? तो इसका मतलब ए भी बन जाएगा, ये सब सारा बन जाएगा। अब चलो आओ सी पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी जल्दी से टाइप करके बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से जल्दी टाइप करो, टाइप करके बताओ। दक्ष कुमार का आंसर आया 0, ऋत्विक, शिवांशी 0, दीपांशु 0, सोनल 0, आरोही 0, ऋत्विक 0। वेरी गुड, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, वर्कशीट 6, 82 में से क्या जाएगा कि 82 बचेगा? तो 82 में से कुछ नहीं जाएगा तो 82 बचेगा, सिंपल सा लॉजिक है। 82 में से कुछ भी नहीं लिया हमने, आपको पता, अगर 82 टॉफी है, आपने उसमें से कुछ भी नहीं लिया तो पूरा का तो पूरा तो बच गया, इसका मतलब 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज पे आधारित ये सारा क्वेश्चन था। इस तरह से वर्कशीट 6 आप कर लोगे। ठीक है, वर्कशीट 6 आप कर लोगे, वर्कशीट 6 कंप्लीट हुआ। चलो आगे, अब चलो वर्कशीट 7 भी हो जाएगा। वर्कशीट 7 हो जाएगा ना सारे से, सारे लोग से हो जाएगा ना वर्कशीट 7? वर्कशीट 7 कर लोगे ना सारे लोग? फोर जी वाले बच्चों, नई मैसेज आ रहा है। आरब चौधरी 4G, यस सर। मानस राज, यस सर। वर्कशीट 7 हो जाएगा ना? चलो आते हैं वर्कशीट 8 पे। नाउ वी आर कमिंग टू वर्कशीट 8। वर्कशीट 8, चलो ये फेयर कॉपी में लिखोगे। 4G के सारे बच्चे आप फेयर कॉपी में लिखोगे वर्कशीट 8। और 4C वालों बच्चों, 4C वाले, मैं जब अगर आपको दूंगा कि 1 मिनट में आप बनाओ, मैं क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा, और सारे लोग 4C के बच्चे रहे या 4G के बच्चे रहे, 4G वाले भी बच्चे रफ कॉपी में पहले ट्राई करेंगे। अगर मैं दूंगा कि आप ट्राई करो, तो आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे, कॉपी करने के लिए मैं बोलूंगा तो आप फेयर कॉपी में कॉपी करोगे। ठीक है, लेकिन 4C वाले बच्चे सिर्फ रफ कॉपी में का यूज करेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे। चलो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब हम लोग का टॉपिक है वर्ड्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आओ आते हैं वर्कशीट 8। वर्कशीट 8, क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का है, 46 बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है, बाकी जो भी मिसिंग है उनको मैं उनको उनको भी इनवाइट करो, मैसेज फॉरवर्ड करो, सारे लोग जुड़ो। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वर्कशीट 8, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, देखो क्या लिखा हुआ है। देयर आर 48,570 प्लांट्स इन अ नर्सरी। नर्सरी क्या होता है? क्या सर 8 को कॉपी में बनाए? हाँ, 4C के जितने भी बच्चे हैं, 4C के जितने भी बच्चे हैं सारे रफ कॉपी में ही बनाएंगे, आप फेयर कॉपी में नहीं लिखोगे। 4C के बच्चे सिर्फ और सिर्फ रफ कॉपी में लिखेंगे, 4G के बच्चे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, 4G के बच्चे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखो। नर्सरी, नर्सरी होता क्या है? नर्सरी बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर जब छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको रखा जाता है, बहुत सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, उनको नर्सरी बोलते हैं। तो एक नर्सरी है वहां पर, एक नर्सरी है, उसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो 48,570 है। ठीक है सर, जो प्लांट्स ग्रो करता है। वैभव ज्ञान आनंद, यस एब्सोल्युटली गुड वैभव, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर देखो, इट्स एडजॉइनिंग नर्सरी हैज 51,257 प्लांट्स,
और एडज्वाइनिंग मतलब क्या होता है, जो उसके ठीक बगल में है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें इतने प्लांट्स है, तो विच नर्सरी हैज मोर प्लांट्स एंड बाय हाउ मच। तो ये टाइप करके मुझे बताओ तो, कि फर्स्ट नर्सरी में ज्यादा है प्लांट या सेकंड नर्सरी में, जल्दी से बताओ, टाइप करके बताओ तो मुझे, फर्स्ट नर्सरी और सेकंड नर्सरी कौन से नर्सरी में ज्यादा है, जल्दी से बताओ। स्नेहा जयवर्धन, फर्स्ट पहले में ज्यादा है या दूसरे में ज्यादा है? अरब चौधरी सेकंड, सौरभ कुमार फर्स्ट कैसे हो जाएगा? मानस राज 4G, टू अनन्या सिंह, टू, बिल्कुल सही, दूसरे में ज्यादा है, क्लियर है। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि तो वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको लिखेंगे वर्ड में ही, स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स इन फर्स्ट नर्सरी, ठीक है, ये यहाँ पे पहले हम लोग सेकंड लिखते हैं, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा ना, तो पहले हम लोग सेकंड को लिख लेते हैं। सेकंड नर्सरी इज इक्वल टू 5 1 टू 5 7, ठीक है, 5 1 2 5 7, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन फर्स्ट नर्सरी क्या हो जाएगा? 4 8 5 7 0, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, चलो इसको माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा? और मैंने बताया हमेशा सब्स्ट्रैक्शन का मूल मंत्र है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटता है, लार्जर नंबर में से हमेशा स्मॉलर नंबर घटता है, तो 7 बड़ा है तो आराम से घट जाएगा, 7 में से 0 जाएगा, तो 7, 5 में से 7 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा हो गया, तो बगल वाले से लेना होगा, लेकिन बगल वाला खुद छोटा है अभी यहाँ पे इससे, फिर देखो बगल में भी यहां भी छोटा है, तो चलो इसको काटते हैं, चलो इसको काटा हमने, और 5 के जगह पे ये हो गया 4, और ये बगल वाला प्लेस कितना, कौन कितना प्लेस है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 10,000, 10,000, बताओ एक 10,000 में कितने हजार मिलके बनेंगे? मान लो एक 10,000 का कोई नोट है, तुम्हारे पास एक कोई 10,000 का नोट है, तो उसमें कितने थाउजेंड थाउजेंड वाले नोट मिलके 10,000 का एक नोट बनेगा, बताओ जल्दी से बताओ, टाइप करके बताओ। 1 10,000 इज इक्वल टू कितना थाउजेंड, बताओ दीपांशु, 10, आर्यन 10, सृष्टि 10, 10, ठीक है, वेरी गुड, तो एक यहां से उठ के जाएगा तो यहाँ 10 बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो अब ये 10 बन गया, अब बगल वाले को ये देगा तो 10 से ये हो जाएगा 9, और बगल वाले को दे देगा तो यहाँ पे और लिखा जाएगा 10, अब ये 10 कटेगा और हो जाएगा 9, और एक इसको दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखो कलेक्टिवली क्या हो जाएगा, 10 + 5 कितना, 10 + 5 कितना, 15, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा क्या, ठीक है, 9 + 2 कितना, 9 + 2 कितना, 11, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 और +1 10, और 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या डिफरेंस कितना आ गया,
2687। क्या क्लियर है ये सबको? क्या क्लियर है ये सबको? हो जाएगा ना, ये समझ में आई सबको? मीन्स कि सेकेंड वाले नर्सरी के पास ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स है, और कितना ज्यादा है दूसरे वाले से? 2687। तो लिख सकते हो यहाँ पे सेकेंड नर्सरी हैज 2687 मोर प्लांट्स देन फर्स्ट नर्सरी। क्लियर है ये सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? क्लियर है बच्चों? शिवांशी, यस सर। चलो इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो। और जो लिख लियो वो क्वेश्चन नंबर वन का भी सॉल्व करेंगे रफ कॉपी में। क्वेश्चन नंबर वन का भी सॉल्व करेंगे आप सभी रफ कॉपी में। इसको जल्दी से करो फेयर कॉपी में, 4G वालों, 4G के बच्चे सारे फेयर कॉपी में इसको नोट करो। और अगर ये हो गया है तो आगे बनाओ, रफ कॉपी में बनाओ, सॉल्व करो रफ कॉपी में, ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर वन का भी जल्दी से ट्राई करो। सर स्टेटमेंट के साथ लिखना है। हाँ बिल्कुल ऋत्विक, वर्ड प्रॉब्लम, वेन एवर यू गेट वर्ड प्रॉब्लम जस्ट ट्राई टू सॉल्व इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट। पूरा अच्छे से स्टेटमेंट को यूज करके वर्ड प्रॉब्लम को बनाना, नहीं तो मार्क्स कटता है। ठीक है, और ये अभी का आदत नहीं आप में डाला जा रहा है बेटा। फोर, अभी तो फोर में हो, 9 10 वगैरह में जब जाओगे तो वहां पे स्टेप मार्किंग और बहुत तरह के मार्किंग होते हैं, वहां पर स्टेटमेंट का भी मार्क्स मिलता है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा उसको क्लियर लिखोगे उतना ज्यादा मार्क्स है तुम्हारे लिए, ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। चलो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का भी, क्वेश्चन नंबर वन का भी चलो वन का भी। इन 2011 अब द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज इतना, इफ द नंबर ऑफ मेल्स वाज इतना तो फीमेल्स का क्या होगा? तो आराम से इसमें डिफरेंस ले लेना है बस। श्रद्धा कुछ बोल रही हो? हैंड क्यों रेस कर रही हो श्रद्धा? कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? प्रतीक राज, वोगेन, वोगेन क्या लिख रहा है? चलो बी में आते हैं अब। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टोटल पॉपुलेशन क्या है? देखो टोटल पॉपुलेशन को क्यों हम लोग ऊपर रख रहे हैं?
क्योंकि सिंपल सा चीज है, इसको मिनिमम एंड बनाना है। क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा है, और जो नंबर बड़ा होता है वो ऊपर लिखाता है सबसेक्शन जब करते हैं, और जो ऊपर लिखाता है एक और चीज कल हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसको बोलते हैं? मिन यू एंड। जो ऊपर लिखाता है उसको बोलते हैं मिन यू एंड, और जिसको घटा रहे हैं उसको बोलते हैं सबट्राहेंड, और जो और फाइनली जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। मेल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या हो जाएगा? मेल पॉपुलेशन दिया हुआ है 298,170, और इसको घटा लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो इस तरह से फाइनली जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इक्वल टू, चलो इसको अब घटा लेंगे हम लोग, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 8 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा नंबर है, अगले में देखो 7 में से 9 नहीं जाएगा, 7 छोटा नंबर है, बगल में से क्या करेंगे इसको काटा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और एक चल जाएगा बगल में, एक चल जाएगा बगल में 10 बन के, तो यहाँ पे 10 लिखो, इसको काटो 9 लिखो, और एक बगल में चला जाएगा यहाँ पर 10। अब देखो ये पूरा एक साथ 10 प्लस 5 15, और 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है। अब देखो 9 प्लस 7 कितना? 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बचेगा? 7, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा टाउन का? 2,77,720। सक्षम राज 2,77,020, दक्ष कुमार, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला आंसर में तुम लोग पूरा लिख लेना इसको, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का सी ट्राई करो, रफ कॉपी सारे लोग, 4C और 4G पहले रफ कॉपी में सारे लोग ट्राई करो, रफ कॉपी में ट्राई करो, और इसको कॉपी करो जल्दी, 4G वाले इसको फेयर कॉपी में कॉपी करो इसको, फिर हम लोग आते हैं सी पे, जल्दी करो, जल्दी ट्राई करो। चलो हो गया, मैं इसको इरेज करूं, मैं इसको इरेज करूं, मैं इसको इरेज करूं बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पे। बाय हाउ मच इज 66,000
1500 मोर, हाउ मच मोर इज 16,500 देन 14,756। अब बताओ दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, जल्दी से टाइप करके बताओ। वन के सी में, क्वेश्चन नंबर वन के सी में दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, जल्दी टाइप करके बताओ बच्चों, जल्दी से टाइप करके बताओ कौन सा है नंबर, जल्दी से टाइप करके बताओ। क्वेश्चन नंबर वन के सी में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है 16,500? सौरभ कुमार, सोनू, आदित्य, आदित्य कुमार, सांभवी आनंद, स्नेहा कुमारी 16,500, जयवर्धन सिंह। वेरी गुड। तो क्या करेंगे बेटा इसको, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे ना, जो बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर रखते हैं, उसी में से घटाते हैं, क्योंकि हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर घटाते हैं, और जो लार्जर नंबर होता है जिसमें से हम कुछ घटा रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिन यू एंड बोलते हैं, और जो घटा रहे हैं उसको बोलते हैं सबट्राहैंड, और जो इस तरह से बचता है रिजल्ट उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। अब चलो इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको बनाओ, हाउ मच मोर इज, तो इसको डायरेक्ट लिखो 16,500, इसमें चलो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, 16,500 और 1,4,7,5,6, इसको घटा लेना है, जीरो में से सिक्स नहीं घटेगा, जीरो छोटा नंबर है, जीरो में से फाइव नहीं घटेगा, जीरो छोटा नंबर है, फाइव में से सेवन नहीं घटेगा, जीरो छोटा नंबर है, ये फाइव छोटा नंबर है, तो आप बगल में देखो सिक्स है, इसको काटो, यहाँ पे फाइव लिखो और एक वाले को बगल में डाल दो, तो 1,000 रुपया का नोट, पहले 1,000 रुपया का नोट चला करता था, तो मार्क क्या होता था, 1,000 रुपया वाला नोट जो है, देखो फाइव हो जाएगा, और 1,000 रुपये के नोट में पहले 10, 100 के नोट होते थे, तो एक यहां से हटेगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ आ गया, अब 10 यहाँ कटेगा, यहाँ पे 9 लिखो, बगल में 10 आ गया, अब बगल में भी देना है इसको, यहाँ पे 9 लिखो और यहाँ पे 10 लिखो, अब इसको देखो एक साथ, ये मिला के टोटल 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ठीक है, अब देखो 9 में से 5 जाएगा 4, 9 और प्लस 5, 9 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 7 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, और जी और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो इस तरह से 1,744 हमारा आंसर है, डिफरेंस आया ये, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज मोर देन 1,744। 16,500 इज मोर देन 14,756 बाई 1,744। क्लियर है सबको? चलो डी जल्दी से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी जल्दी से ट्राई करो, तो सारे लोग क्वेश्चन नंबर डी, वन का डी जल्दी ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो सारे लोग, जल्दी से ट्राई करो, इसको मैं हटा दूं, लिख लिए सब लोग, फिर कॉपी में लिख लिए इसको, 4G वाले, इसको 4G, 4G वाले फिर कॉपी में लिख लिए, अरब चौधरी, यस सर,
शिवांशी, सूर्यांशु सिंह, सूर्यांश सिंह, आयुष राज। विवान कर रहा है क्लास? विवान तुम कर रहे हो क्लास? विवान मैसेज टाइप करके बताओ, विवान क्लास कर रहे हो? तेजस कुमार 4C, चलो उसका आंसर आया। विवान अगर तुम क्लास कर रहे हो तो मैसेज करो विवान। चलो इसको मैं रेज कर रहा हूं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी पे आते हैं, डी पे आते हैं। ऋत्विक 4C। यस सर। उजाला ज्योति लेफ्ट के। चलो जयवर्धन सिंह का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रतीक राज, सोनल। चलो वन का डी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन के डी पे। चलो अब मैसेज कोई नहीं करेगा, देखो इधर। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट दिस? ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले। अगर मान लो लिखा हुआ है तुम्हारे पास 10 और माइनस 10, में से क्या घटाएं कि हमें 4 कि हमें 6 मिल जाए? 10 में से क्या घटाएं कि 6 मिले? तो तुम लोग बोलोगे सर 4 घटाना होगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। तो एक तरह से हम लोग क्या किए, 6 को हम लोग 10 में से घटाए ना, 6 में से घटाए ना तो मिला 4। यस और नो? यस और नो? यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे भरना था। 10 में से क्या घटाएंगे कि 6 मिलेगा? तो हम लोग बेसिकली किए क्या कि 10 में से और जो डिफरेंस था उसको घटा लिए, तो हम मिल गया कौन सा नंबर घटाएं कि इसमें 6 मिलेगा। उसी तरह से, सेम इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा लेंगे। तो 5 2 5 8 7 3, और इसमें से घटाना है 1 7 5 6 9 3, इसको घटाना है, इसको घटाना है। ठीक है, अब देखो 3 में से 3 तो 0, 7 में से 9 घटेगा नहीं, इसको बनाओ 7 और बगल वाले को दो 10, तो ये मिला के कितना हो गया, 10 प्लस 7 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा क्या? ठीक है, अब 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 1, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और बगल में आ जाएगा 10, ये मिला के कितना 12, ये मिला के 12, 10 प्लस 2 12, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, अब 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो इस तरह से क्या आंसर आया, 3,50,180 आ गया आंसर। क्या ये क्लियर है? तो लिखेंगे थ्री लैख 50,180 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइव लैख 25,873
टू गेट 1,75,693। क्या क्लियर है क्या बच्चों सबको? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? इस तरह से वर्कशीट 8 सबको क्लियर हुआ क्या? क्या बच्चों इस तरह से चैप्टर 2 का वर्कशीट 8 सबको क्लियर है? चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का वर्कशीट 8 सबको क्लियर है? बट प्रॉब्लम इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीटी करेंगे, बीटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? क्या इस क्वेश्चन में डाउट है सबको? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? कुछ भी? नो सर। चलो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, किसी भी मीडियम पर होगा, हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए बीटी चैप्टर 2 का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बीटी, ब्रेन टीजर। टिल देन 4C और 4G के सारे बच्चों को बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय। आदित्य कुमार, सोनू, हर्षिल, सौर्य कुमार सिंह, सक्षम राज,